ये देखिए, हाइड्रोलिक प्रेशर लो, अगर हाइड्रोलिक प्रेशर लो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ये कैसे सेट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, वो मैं आज बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, नज़दीक दिखाओ, हाइड्रोलिक प्रेशर लो, हाइड्रोलिक मोटर ओवरलोड, ये कैसे ठीक करेंगे मैं अभी दिखाने वाला हूँ कैसे ठीक करेंगे। तो इसका यहाँ से मैं रिसेट दबा दिया तो ठीक नहीं हो रहा, फिर से ही आ रहा है, इमरजेंसी भी सही कर दिया, रिलीज कर दिया, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका सोलूशन क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और पीछे पैनल दिखाते हैं। इधर आ जाओ, पैनल खोलेंगे। पूरा पैनल दिखाओ वॉइल ऐसे करके। ये देखिए, यहाँ पे भी क्या लिख रहा है, लैंग्वेज सिलेक्शन, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इधर देखो, यहाँ पे एक ग्रीन ग्लो कर रहा है। तो अब आइए इस तरफ दिखाते हैं आपको, CB1, CB2 एंड CB3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब ये इस तरह की लाइट आएगी ना, तो ये CB3 है ना, CB2 है ना, ये रेड वाले ऑन हो जाएंगे और ये डाउन हो जाएंगे। सारे में देखो रेड वाले सही हैं, ब्लैक वाले डाउन है, लेकिन इसमें देखो ब्लैक वाले ऊपर है और रेड वाले डाउन है। तो इसको हम प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। अब देखो, तो देखिए मैंने वो सेट कर दिया, रिसेट कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पैनल से रिसेट करूँगा, पैनल से रिसेट करते ही ये अलार्म ख़त्म हो गया ना ख़त्म। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर लो अलार्म, ये हो गया ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉच। बस खत्म।